मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। जी हां, गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिले में संलग्नीकरण में लापरवाही करने और प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के बाद 3 सरकारी शिक्षकों और 2 बाबू को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 12 शिक्षकों का जो है वेतन रोका गया है। वहीं जो है वंचित 21,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने तक सभी बीईओ का जो है वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। गुना कलेक्टर ने लंबे समय से अनुपस्थित राघोगढ़ के शिक्षक नीरज जाटव, चाचोड़ा के शिक्षक जयश्री कनक, गुना के शिक्षक रामकृष्ण अहिरवार, निर्वाचन शाखा के अखिलेश श्रीवास्तव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लिपिक सोनू आर्य के विरुद्ध डीई के आदेश दिए हैं। वहीं FLN प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित 12 शिक्षकों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है कि सभी प्रकार के संलग्नीकरण तत्काल निरस्त किए जाए। बहुत आवश्यक संलग्नीकरण के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को बीओ बीआरसी के माध्यम से भेजे और फिर संयुक्त कलेक्टर एवं डीपीसी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाए। कलेक्टर द्वारा बीओ राघोगढ़, आरोन, चाचोड़ा, बमोरी, गुना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी यदि उनके संज्ञान में आती है तो संबंधित बीईओ के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने 15 दिवस में प्रत्येक स्कूल में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।